फ्रेंड्स मित्रों, मेरे चैनल पर, मेरे गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरे डिफेन बेचिया का आज का टॉपिक है। मेरा डिफेन बेचिया के पौधे की क्या केयर है, कैसे इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये गेंदे का फूल मेरी गोल्ड का अपने आप जम गया था, तो अब थोड़ा सूखने लगा है। तो सबसे पहले तो मैं इनको हटाऊंगी। और ये पौधा पिछले साल मैंने लगाया हुआ था, ये देखिए अब ये ख़राब हो गया। तो ये इतने बड़े हो गए हैं, एक हिसाब से आप समझ लीजिए बूढ़े हो गए हैं। तो इसमें अब ऊपर से सारी पत्तियां सूख रही हैं। मुझे इनको मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको वो दिखा रही हूँ। मैं जो करके सीख लेती हूँ फ्रेंड, वही आपके बीच में शेयर करती हूँ। अब इन पौधों से एक से तीन हुए, तीन से क्यों छः हुए, मेरे और उधर पीछे लगे हुए हैं, बैकयार्ड में लगे हुए हैं। इनको करना क्या है मित्रों, यहाँ से देखिए, यहाँ सारे नोड्स बने हुए हैं, यहाँ से फिर से ये नए नए पौधे तैयार हो सकते हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, आपको दिखा रही हूँ। एक तो पौधा मैं पहले जड़ से उखाड़ लेती हूँ और इनको अभी और लगाऊंगी। ये देखिए आप कितनी ज़्यादा ग्रोथ पर है। प्रकृति का नियम है मित्रों कि कोई चीज जब खराब होती है, पुरानी हो जाती है, तभी नए पौधे जन्म लेते हैं। तो यही है इनका भी नियम। देखिए, जहाँ से नोट्स बने हैं वहां से मैं पहले तो यहाँ से काटूंगी। जिस चाकू का या ब्लेड का हम इस्तेमाल करते हैं उनको स्टरलाइज कर लेना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर मेरा तो सैनिटाइजर में स्टरलाइज है, तो आप साफ पाउडर लगा लीजिए, किसी डेटॉल में साफ कर लीजिए। ये देखिए, अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि ऊपर से हटा देना अच्छा है। और जहां से मैंने काटा है फ्रेंड, देखिए ये वहीं से तीन चार पौधे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। नीचे से छोटे 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 आँख निकल, आईज लगी हुई है इनमें, ये लग रहे हैं निकल जाएंगे। और जहां से मैंने काटा है वहां पर फंगीसाइड पाउडर लगा दूंगी, ये देखिए, जिससे इनका सिरा जो है वो सील हो जाए और इसमें फंगस लगने का खतरा ना रहे। अभी सूख जाएंगे। अब मित्रों देखिए, दो पौधा तो मैं इसी में लगा रहने दूंगी, फिर बड़े होंगे वहीं से जड़ दूसरी निकल के। और देखिए, ये देखिए छोटा सा नन्हा सा और नया पौधा निकल रहा है इसमें। ये देखिए छोटी सी ग्रोथ निकल रही है इसमें। अब करना क्या है इसमें, तो मैंने एक हफ्ता पहले गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट सब मिलाया हुआ था, लेकिन थोड़ी ये देखिए बर्मी कंपोस्ट है, थोड़ी और मिला देती हूँ। अब इनको लगाने का तरीका है फ्रेंड, देखिए इसमें ये देखिए पूरा आँख बनी हुई है, यहाँ से लग जाएगा पौधा। ये देखिए जहाँ जहाँ से आँख लगी है वहीं से मुझे और टुकड़े बनाने हैं। आपको दिखाऊंगी अपडेट इसका, सारे डंडियों में आंख लगी हुई है और इसको भी लगा ही दूंगी, सब में फंगिसाइड पाउडर लगा देती हूँ जिससे जड़ों में फंगस लगने का डर ना रहे मित्रों। ये देखिए आपके सामने है, थोड़ी सी एक दो मिनट हवा लग जाएगी। और मित्रों इसको ध्यान रखना है कि जिधर आंख निकली हुई है वो हिस्सा ऊपर ही रखना है, उल्टा हो जाएगा तो पौधा सही से लग नहीं पाएगा। अब एक दो पौधा तो मैं इसी में लगा दे रही हूँ मित्रों, ये देखिए और हो जाएंगे, ये घने हो जाएंगे। चेक कर लेती हूँ आंख ऊपर है कि नीचे है, ऊपर को ये देखिए। अब इसमें तीन पौधे हो गए, चार पौधे। अब देखिए ये मेरा गार्डन सॉइल, सैंड, बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, फंगीसाइड सब मिला हुआ है, लेकिन थोड़ी सी फंगीसाइड और मिला लेती हूँ मित्रों। अब देखिए मेरे ये पौधे जब इस गमले में लग के तैयार हो जाएंगे तो मैं इनको अलग अलग पॉट्स में रिपोर्ट कर दूंगी। और मेरे पास पौधे, एक पौधे से 10 पौधे बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं मित्रों, और लेने वालों की संख्या बहुत है मेरे पास लखनवी गार्डनर का
गिफ्ट चाहिए हर किसी को। तो देखिए डिफेंस बेसिया का अभी दो शाखाएं बची हैं, इनको लगाऊंगी, बहुत सारे पौधे बनाऊंगी, तो आपको फिर जब लग जाएंगे तो दिखाऊंगी। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी सोचेंगे कि पूर्णिमा जी कितना समय तक गार्डनिंग करती हैं, कितना वीडियो लगाती हैं। अब करना क्या है मित्रों, ये देखिए पानी है, हमको थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है जिससे इनकी ग्रोथ और जड़ें जल्दी पकड़ेंगी। डिपेंड बेचिया का पौधा मित्रों बहुत आसानी से लग जाता है, ये 10 दिन में इनके दूसरे प्लांट तैयार हो जाएंगे और फिर आपको अपडेट दिखाऊंगी। देखिए अभी ये पौधा भी लग के तैयार हो जाएगा, एक सेकंड आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी अपडेट दिखा रही हूँ, 10 दिन पहले मैंने एक नोट्स काट के इसमें नीचे से निकला हुआ था लगा दिया था। देखिए अभी एकदम पौधा कितना बढ़िया तैयार हो गया है और किसी को देने के काम आएगा मित्रों। ये रहा मेरा डिपेंडेंसिया को मल्टीप्लाई करने का तरीका और इनको अच्छे से ग्रो करने का तरीका। अगर आपको अच्छा लगा है मित्रों तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे गार्डन में डिपेंडेंसिया का पौधा आपको कैसा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।